सामाजिक संस्थाओं के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत मदद आती है और काम भी करती है, तो आप लोगों का किस तरह का सहयोग रहता है सर? बिल्कुल, जब भी वो हमें बुलाते हैं, जब भी हमें आवाज़ देते हैं, हम लोग खुद, हमारी अपनी एक संस्था है, तो हमें 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 पता है कि इस किस्म के जो नेक काम है जी, उसको हमें हमें करना चाहिए और हमें इसमें शिरकत करना चाहिए, हर तरीके से जो भी ताउन है, जो भी मदद है ऐसे अच्छे कामों के लिए, क्योंकि ये तो नेक फरमान, ये पाकीज़ा काम है जो हुजूर का फरमान। इस किस्म की इज्तिमाई शादियाँ एक ज़माने में हुआ करती थी, आजकल लोग बहुत कम हो गए, खर्चे करते हैं और ये बहुत कम हुआ। तो ये जो तबलीग़ की जो संस्था है, जो ये हर साल करती है, लोगों पिछले साल भी आया था जी, नेक काम एक अच्छा मैसेज भेजती है लोगों में, एक अच्छा इरादा भेजती है, और इसमें हर एक लोग का शामिल होना इस बात की दलील है कि देखो आज भी जो पुरानी परंपराएं वाबस्ता हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी संस्थाओं को और आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। सियासी लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से रास्ता रखते हों, वो सबको ऐसे अच्छे कामों में जुड़ना चाहिए, और ये सिलसिला वाबस्ता चलते रहना चाहिए। क्योंकि जो मैंने कहा पहले भी कि जो काम कभी कभी सियासी पार्टियां नहीं कर पाती वो संस्थाएं कर जाती हैं जी, तो ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा देना, उनका मनोबल बढ़ाना, यही कारण है जिसके लिए हम यहाँ आते हैं और यहाँ शिरकत करते हैं। तो और मैं ये तमाम जो आज जो इस्तेमाली शादी में मुझे लग रहा है कुछ 11-12 जोड़ों की आज शादी है जी, इन सबको दिली मुबारकबाद देता हूँ और बस खैर मकदम की दुआ करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सिलसिला हुजूर के ज़माने से चला आता रहा, तो ये सिलसिला आगे भी और भी लोग इसमें सहभाग रहे, जमातों के जो सदर रहे और ये जो तमाम जमातें, ये सब मिलजुल कर इस किस्म की जो अच्छे काम है इसमें और रुचि दे और इसको बढ़ावा दे, ये मेरी सोच है और ये मेरा मानना है। उसके लिए हम हमेशा से जो है उनको मदद करने के लिए तब इसके साथ हम खड़े। शुक्रिया। चलो, ये होप फाउंडेशन की तरफ से इस्तेमाई शादी रखा गया, कैसा लगा आपको और क्या कुछ बधाइयाँ देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले होप फाउंडेशन के सभी मेंबर्स और अहदेदारानों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी शादी रखी और इस्तेमाई शादी में जोड़ों की शादी कराई। इस साल करीबन 8 जोड़े हैं, देखिए बहुत खुशी हुई, और यहाँ पर इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे खाना चल रहा है, यहाँ पे हमारे सब दोस्त मौजूद हैं, यहाँ पर सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूँ। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऐसे इस्तेमाई शादी को लेकर के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा करें? मैसेज यही है कि जैसे वो फाउंडेशन एवरी ईयर ये शादी कर रही है, वैसे और भी जो फाउंडेशन है ऐसी इस्तेमाई शादियाँ करें, सामूहिक लगन अरेंज करें, और इससे लोगों का फ़ायदा होगा, लोगों के अखराजात कम भी होंगे और लोग अपने अपने बच्चों की ये इस्तेमाई शादी में शादी करेंगे। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे होप फाउंडेशन की तरफ से जो इस्तेमाई शादी रखा गया, कैसा लगा आपको देखकर, और इन लोगों का जो इतना अच्छा इंतजाम किया गया, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन वक्त कम है, फाउंडेशन ने जो आला काम किया, और मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों में इस तरीके के जातियाँ होते रहेंगे, उसके अंदर मतलब एक सुन्नत तरीका भी होगा, अखरा जात भी कम होंगे, और कोई बच्चे ऐसा गुमराह नहीं होंगे जी। मेरे हिसाब से ये काम बहुत ही आला और पिता कल्ला खैर बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह फाउंडेशन को खूब तरक्की कामयाबी दे और उनके आगे जो इरादे हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसे नेक काम बहुत कम ही लोग होते हैं, क्योंकि ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए इस्तेमाई शादियाँ के लिए, तो आप लोगों का किस तरह का सहयोग रहता है होप फाउंडेशन की तरफ से? सब अल्लाह कराता है, किसी की ताकत नहीं, अल्लाह दरिया बनाता जो हो सकता है, जिससे इस तरीके से भी इमदाद देना है, किस किस्म का ऑपरेट करना, वो सब अल्लाह की तरफ से मछली है, जो इरादा लेके चले होप फाउंडेशन उसके लिए बड़ी मैं उनकी तारीफ करूँगा, बहुत अप्रिसिएशन। शुक्रिया। दोस्तों में, रिश्तेदारों में सब अटेंड करते हैं, और यहाँ आने के बाद में ये मालूम नहीं, महसूस नहीं होगा कि कोई समूह लगन, ऐसा लग रहा है कि अपने फैमिली की शादी में हम लोग आए। इससे पहले एक सिगवानी फाउंडेशन था, साबिरा सिगवानी जी,
शादी माँ के नाम से मशहूर थे और वो भी इसी तरीके से शादी कराते थे। आज उनकी कमी का एहसास हो रहा है मेरे को यहाँ आने के बाद। और वो फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको देख के और लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर फाउंडेशन अपना सेपरेट करे, इसके साथ भी ज्वाइन होकर कर सके। चलिए शुक्रिया। ये होप फाउंडेशन की तरफ से इस्तेमाई शादी रखा गया, कैसा लगा आपको देखकर? ये बहुत ही होप फाउंडेशन की तरफ से जो ये सामूहिक शादी रखी गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक मिसाल है। और ये समय समय पे इन लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मैं रिजवान भाई को और इनके सारे ग्रुप को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो काम करते हैं ये बहुत ही दुआ वाला काम है। जिन बच्चों को मतलब आज की डेट में आदमी एक ही नहीं सोच सकता अपने बच्चों की, यहाँ 8-8, 10-10 बच्चों की एक साथ की जा रही है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और इन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि ये होप फाउंडेशन जो है वो इस तरीके से तरक्की करे और ऐसे लोगों को प्यार देता रहे। उनका साथ दूंगा। नमस्कार जी, शुक्रिया। अपना परिचय दिया और इस होप फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताया। मेरा नाम शुजा खान है और मैं होप फाउंडेशन की ट्रस्टी हूँ और हम लोग माशाल्लाह जिसका पेशा है सेकंड शादी है। होप फाउंडेशन की तरफ से जो आज इस्तेमाई शादी बहुत बड़ा रखा गया, कितने जोड़ों का शादी हुआ? जी, और मेडिकल का भी काम हम लोग करते हैं जी, काफ़ी राशन भी देते हैं हम लोग, लॉकडाउन में भी काफ़ी राशन और तमाम जो है परेशानी जिसकी अगर किसी की रहती है दवा की जी। और भी फंक्शन जैसे शादी कोई गरीब है कोई नहीं कर पाता है जी। तो हमारे पास आता है तो हम मदद करते हैं जी। और ये शादी ये जो इस्तेमाई शादी कितने सालों से आप कराते आ रहे हैं मैडम? ये हम लोग बस अभी एक साल से करते हैं। एक साल से करते हैं। वैसे देखा जाए तो सभी जोड़ों को एक तरफा सब कुछ सामान वगैरह सब चीज़ दिया गया, सारा सामान। ये जो लड़कियां हैं इस तरह के थोड़ा इनका बताइए थोड़ा सा। लड़कियां जैसे माँ बाप इनके अफोर्ड नहीं कर सकते जी जी, आजकल के दौर में यानी बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, किसी के डैडी नहीं है, तो इसलिए हम ये शादी रखे थे। हमने सोचा कि ये शादी करें तो काफ़ी तमाम गरीब बच्चों की शादी होती है, तो हम लोग ये ऐसा करें कि इस जरिए से इनका कुछ मदद हो जाए और उनकी शादी हो जाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, होप फाउंडेशन ने जो इतना बड़ा मुद्दा उठाया, शादी इस्तेमाई शादी कराए, कैसा लगा आपको देखकर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहजाद खान, मैं अभी ये सेकेंड टाइम आया हूँ यहाँ पे, इससे पिछले साल भी आया था और माशाल्लाह पिछले साल कुछ सात दूल्हे और सात दुल्हन थे और वो भी बहुत अच्छा था और उससे और अच्छा और बढ़िया इस टाइम भी है माशाल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि और अच्छे से होता जाए इंशाल्लाह। चलिए शुक्रिया। अब आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो होप फाउंडेशन की तरफ से इस्तेमाई शादी रखा गया, कितने जोड़े की कुल रखा गया? देखिए होप फाउंडेशन महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा फाउंडेशन है जो कोरोना काल से एक ऐसी लोगों की मदद के लिए बैंड्रा से जो उभरा है, पूरे मुंबई शहर के अंदर कोरोना काल के अंदर होप फाउंडेशन ने काम किया है और होप फाउंडेशन इसीलिए फेमस है मेडिकल के अंदर, अगर कोई लोग मतलब परेशान हो, जिस वक्त पर लोग अपने घर वालों को छोड़कर चले जाते हैं उस वक्त में होप फाउंडेशन मेडिकल के लिए लोगों के साथ खड़ा होता है मुंबई के अंदर। वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल का काम करता है और ये दो सालों से जो इस्तेमाई शादी का प्रोग्राम है हमारे प्रेसिडेंट होप फाउंडेशन के तबरेज अलीजान शेख है, जो माशाल्लाह पिछली बार भी इसी तरह से मुंबई शहर के अंदर जो बहुत ही बड़ी ऐसी इस्तेमाई शादी का इंतज़ाम किया था, वापस से फिर ये साल आया, फिर इन्होंने वापस से वही तहरीक स्टार्ट की, उसी तरह से माशाल्लाह होप फाउंडेशन के सदर तबरेज अलीजान शेख इनकी टीम ने माशाल्लाह जो जद्दोजहद मेहनत से एक बहुत ही बड़े माशाल्लाह कारनामे को अंजाम दिया है। यहाँ पर जो लोग पैसे के कारण शादी रिश्ते हो जाते हैं शादी नहीं होती है, तो इस वजह से रिश्ते हो जाते हैं शादी नहीं होती है, लोग कुछ ना कुछ कारण से शादी नहीं कर पाते, तो उसको देखते हुए इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम किया है और माशाल्लाह हर साल इसी तरह से तबरेज अलीजान शेख साहब करते हैं, तो हम भी यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इनसे और इसी तरह काम ले और मुंबई शहर के जितने समाज सेवक सोशल वर्कर हैं हम भी सबसे यही कहेंगे माशाल्लाह इनसे जुड़े, जिस तरह से होप फाउंडेशन काम कर रही है हर एक चीज़ को लेकर गहराई से काम करती है, तो तहे दिल से होप फाउंडेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। माशाल्लाह मुंबई शहर के जितने समाज सेवक थे, नेता थे, जितने कलाकार थे, सब लोगों ने आकर यहाँ पर दूल्हा दुल्हनों को दुआई दी, तबरेज भाई से मुलाकात की, तो हमारा यही कहना है कि तबरेज भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं हमारी दुआ आपके साथ है, हमारा साथ आपके साथ है, इसी तरह आप काम करते रहो
होप फाउंडेशन के लिए हमारी यही दुआ है, जिस तरह से होप फाउंडेशन मेडिकल में और इज्तिमाई शादी का काम कर रहा है, अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे अल्लाह इनके काम में बरकत दे इनसे और काम ले। तबरेज़ सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो इतना बड़ा कदम आपने उठाया है, कितने सालों से कराते आ रहे हैं? ये दूसरा साल है हमारा जी, और पहले इससे साइक साहब पहले भी हमने 7 बच्चों की शादी कराई थी जी, ये सर 8 कराए इंशाल्लाह, आगे उम्मीद है अल्लाह से कि इसका डबल दुगुना करते रहेगा और हम 8 गरीब बच्चों के ऐसी जोड़ों की शादी कराते रहेंगे जी। होप फाउंडेशन देखा जाए सर, किस किस तरह के काम करते हैं लोगों के लिए खास? ये लोगों ने देखा कि कोविड में जब लोग डर के मारे घर से निकलते नहीं थे जी, उस टाइम बैंड्रा में होप फाउंडेशन ही था जी, लोग घर से बाहर निकलकर लोगों के घरों घरों में जाके अनाज पहुंचा रहा था, खाना पहुंचा रहा था जी, लोगों की मदद कर रहा था, हॉस्पिटल में लोगों का इलाज कराना, ये सब हमने किया कोविड में जी। और कोविड के बाद में जो माहौल बना कि कितने गरीब लोग थे जो अपने बच्चों की शादी का इंतजाम नहीं कर पाते, तो हम आगे बढ़कर उनकी मदद की, आज ये इतने बड़े कार्य प्रोग्राम को हमने अंजाम दिया जी। और सर, कैसे लोग जुड़े इस संस्था से, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इज्तिमाई शादी से लेकर के, और लोग किस तरह आपके होप फाउंडेशन से जुड़ेंगे? होप फाउंडेशन बैंडा में हमारी ऑफिस है, हम तो लोगों से यही अपील करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, साथ में काम करिए, आगे जो अल्लाह मालिक के इंतजाम हम पूरा करेंगे जो भी रहेगा, पर हमारे साथ मिलकर काम करिए, हम गरीबों की मदद करते रहेंगे जी। शुभ शादी रखा गया, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? जी, मैं विजडम वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ, शाहिदा शेख। हमारी फूल जहाँ ने मुझे इनवाइट किया है होप फाउंडेशन से, आज मैं यहाँ पे इज्तिमाई शादी में आई हूँ। यहाँ पे आज 8 लोगों की शादी हो रही है, लास्ट ईयर भी हम आए थे यहाँ पे शादी में, 7 लोगों की शादी हुई, आज 8 लोगों की हो रही है। मुझे ये कहना है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत से बच्चों की शादी नहीं हो पाती है, तो ये जो होप फाउंडेशन एक उम्मीद, जैसे नाम इसका मतलब होता है उसका उम्मीद, तो इन लोगों ने लोगों की उम्मीद को पूरा किया है शादी करवा के, तो ये मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि जिन बच्चों की शादी नहीं होती है तो यहाँ हम लोगों को एक जहेज वगैरह पूरा इंतजाम करके ये फाउंडेशन शादी करवाती है, तो ये काफ़ी सराहनीय बात है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे हम भी इनसे जुड़ के रहें और ये भी हमसे जुड़ के रहें, और साथ सबका विकास, यही होगा। चलिए, शुक्रिया।